हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक वेरीगेटेड प्लांट दिखाने वाली हूँ जिसमें कि फ्रूट्स भी लगते हैं। ये वेरीगेटेड पिंक लेमन का प्लांट है, पिंक लेमन बोलते हैं, और ये पकने के बाद थोड़ा सा पिंकिश कलर में आ जाता है। ये एडिबल होता है, इसे हम खा भी सकते हैं। एज अ शो प्लांट भी हमारे गार्डन में लगा रहता है, बहुत खूबसूरत सा लुक देता है। देखिए इस प्लांट में कितने सारे लेमन लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। पूरा जो लेमन है प्लांट में भरा पड़ा है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। एक तो आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ाता है, और साथ में इसमें इस तरह से लेमन लगते हैं जो कि हम खा भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें फ्लावर्स बन रहे हैं, इस तरह से वाइट कलर के फ्लावर्स बनते हैं और इसमें इस तरह के फ्रूट्स बन जाते हैं। तो ये एक शो प्लांट भी हो गया और एक फ्रूट प्लांट भी हो गया। तो आज मैं इसकी केयर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि इस प्लांट को आप कैसे अपने गार्डन में ऐड करेंगे और किस तरह से इसके फ्रूट्स लेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये एक 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। देखिए ये 10 इंच का पॉट है। ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि इसे कुछ अलग तरीके से ग्रो किया जाता है। ये फ्रूटिंग प्लांट भी हो गया और इसका वेरिएशन भी अट्रैक्टिव है। तो ये प्लांट 1000-1200 की रेंज में ही आता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी कम गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, काफ़ी यूनिक प्लांट है। तो इसकी केयर वीडियो देखकर अगर आपको ये प्लांट पसंद आता है, तो ये यूनिक प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वेरीगेटेड पिंक लेमन का प्लांट है, ये लेमन है, स्मॉल साइज़ के लेमन बनते हैं। तो इस प्लांट की केयर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। देखिए इस प्लांट को जब आप सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं ना, तो मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगाया है। काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, धीरे धीरे ही ग्रोथ करता है, और काफ़ी टाइम में इस तरह से ये प्रिपेयर होता है। इसीलिए इसका जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप इसकी सॉइल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं नर्सरी से इस प्लांट को परचेज़ करने के बाद, तो प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। ये जो लेमन्स आप देख रहे हैं, ये सालों साल इसमें लगते रहते हैं। इसमें कोई ऑफ सीज़न नहीं होता, कोई डॉर्मेंसी पीरियड नहीं होता, पूरे साल इसमें लेमन लगते रहते हैं। विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, समर में भी इसमें ये फ्रूट्स बन रहे थे और विंटर में भी ये फ्रूट्स बनते रहेंगे। आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर छोटी छोटी कलियाँ भी आपको दिख रही हैं, यानी कि आगे विंटर में भी ये फ्रूट्स बनेंगे। और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स दिखाए, तो इसमें फ्लावर भी वाइट कलर के खिल रहे हैं। तो पूरे साल फ्रूट देने वाला ये खूबसूरत प्लांट है। तो इसलिए अगर आप इसकी सॉइल अच्छी सी बनाएंगे, वेलड्रेन सॉइल बनाकर तैयार करेंगे, तो ये प्लांट हमेशा आपके गार्डन में ऐड रहेगा, और दोबारा इतना कॉस्टली प्लांट आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप इस प्लांट की सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करें, इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले, एक हिस्सा रिवर सैंड ले, और एक हिस्सा कंपोस्ट ऐड करके अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बनाए, और इसमें थोड़ा सा नीम पाउडर या फंगीसाइड याद से ऐड करना है कि प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद कोई फंगस वगैरह अटैक ना करे, इसके रूट्स में कोई फंगस ना लगे, प्लांट पे कोई जल्दी पेस्ट का अटैक ना हो, तो प्लांट लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहे। तो इसलिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर बताया, ये सॉइल मिक्सचर लेके आप 8 से 10 इंच के पॉट में इसे रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर इसकी सनलाइट की बात करें, तो अच्छी सी सनलाइट में ही वेरीगेटेड प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये वेरीगेटेड प्लांट है, लेमन ट्री है, तो आप इसे मॉर्निंग इवनिंग की 2-3 घंटे की सनलाइट देंगे, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और इसकी जो वेरीगेशन है, जो इसका लुक है, वो भी बरकरार रहेगा। तो इस तरह से आप इसे मॉर्निंग इवनिंग की 2-4 घंटे की सनलाइट में रखिए। उसके बाद अगर मैं इसकी वाटरिंग की बात करूँ, तो वाटरिंग लिमिटेड करनी है। जब आप वेलड्रेन सॉइल बनाकर तैयार करते हैं, तो टाइम टाइम से इसमें वाटरिंग करते रहिए। कभी बाय चांस एक्सेस वाटर हुआ है, तो वेलड्रेन सॉइल होने की वजह से जो वाटर है, एक्सेस वाटर, वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। इसलिए वेलड्रेन सॉइल बना के लिमिटेड वाटरिंग करनी है। जब सॉइल ड्राई दिख रही है, तो आप उसमें वाटरिंग कर दीजिए, और अगर सॉइल में नमी है, तो वाटरिंग को स्किप कर दीजिए। देखिए इसके जो इस तरह के प्लांट होते हैं ना, इनको ज़्यादातर ड्राई सॉइल ही पसंद होती है। एक्सेस वाटर कभी भी ना करें, नहीं तो प्लांट के रूट रोट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो लिमिटेड वाटरिंग करनी है, चेक करके हमेशा वाटरिंग करनी है इस लेमन प्लांट में। उसके बाद अगर हम लोग इसके कंपोस्ट की बात करें, तो ये पूरे साल फ्रूट देने वाला, पूरे साल ग्रोथ करने वाला प्लांट है। तो इसलिए आप इसमें साल में 2 से 3 बार कंपोस्ट ऐड कर देंगे, तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ भी करता रहेगा और उसमें फ्लावर्स भी खिलते रहेंगे। इधर मैंने आपको फ्रूटिंग दिखाई, और यहाँ देखिए इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है, इस तरह से न्यू लीव्स बन के आ रही है। तो पूरे साल ग्रोथ करने वाला प्लांट है, तो आप साल में कम से कम 3 बार आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर देंगे। 3 से 4 महीने की गैप पे आप इसमें कंपोस्ट ऐड करते रहिए, प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करता रहेगा और आपको ढेर सारे फ्रूट्स देता रहेगा। देखिए कितने सारे फ्रूट्स इसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह से कंपोस्ट ऐड करना है। कंपोस्ट कौन सा ऐड करेंगे, कंपोस्ट में आपको क्या लेना है, आप इसमें गोबर की खाद यानी कि काउडंग कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट आता है वो भी ऐड कर सकते हैं,
और जो लीफ मोल्ड आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मत ऐड कीजिए, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है, आप इसे खा भी सकते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र होगा तो आपको ही नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा जो मैंने ऑर्गेनिक खाद बताया वही यूज कीजिएगा। इनमें से कोई सा भी कंपोस्ट आप लेके सॉइल में 3 से 4 महीने की गैप पे मिक्स कर दीजिए और उसकी गुड़ाई करके उसमें टाइम टाइम से वाटरिंग करते रहिए और अच्छी सी सनलाइट में रखिए, तो ये प्लांट बहुत आसानी से आपके गार्डन में बना रहेगा। अगर हम इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट ब्रांच के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसकी सॉफ्ट ब्रांच को भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी हार्ड ब्रांच को, यानी कि इसकी टॉप की जो सॉफ्ट ब्रांच होती है वो भी लग जाएगी और इसकी पेंसिल टाइप की स्टेम लेके ग्रो करेंगे तभी भी ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो वेरीगेटेड लेमन प्लांट है ये कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखें। आगे जब मैं इसे कटिंग से ग्रो करूँगी तो इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया फ्रेंड वेरीगेटेड पिंक लेमन की केयर। अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के प्लांट की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी, जिससे आपको गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पर मैं आप लोगों से मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।